तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल असिस्टेंट ग्राम पंचायत लेवल पे आपका दोस्तों ग्राम विकास विभाग में संविदा के पदों पर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विभाग का नाम ग्राम विकास विभाग और यहाँ पे पद का नाम आप देख पा रहे होंगे टेक्निकल असिस्टेंट ग्राम पंचायत लेवल, यानी कि गांव में आपके टेक्निकल असिस्टेंट अब रखे जाएंगे। यहां पे आप देख पा रहे हैं रिक्त पोस्ट करने की तिथि 17 और लास्ट डेट आवेदन की 25 तारीख है, यानी कि आप 25 जुलाई तक फॉर्म को भर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे देखते हैं तो संस्था कंपनी का नाम जिसको टेंडर मिला है या भर्ती कंप्लीट करने के लिए, इंटिको टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ये टेंडर मिला हुआ है। टोटल पद की बात करें तो आपके साथ हैं। किस जिले से दोस्तों, ये एक जिले के पद हैं। एक जिला आपको देखो जैसे कि जनपद औरैया की बात करो, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जिला औरैया से ये भर्ती आपकी निकाली गई है। कोई भी एक्सपीरियंस इसके लिए नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है, सिर्फ आपका योग्यता इसके लिए क्या है वो होनी चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल हो गया, यानी कि आपके पास दोस्तों पॉलिटेक्निक, अगर आपके पास पॉलिटेक्निक है तो इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं सैलरी इसमें 16,243 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। 18 से 40 साल के बीच में आपकी एज दोस्तों होनी चाहिए। पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों कैसे भरना है मैं आपको बिल्कुल घर बैठे फ़ोन से ही भर के आपको दिखाने वाला हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना, बिल्कुल आप दोस्तों वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों ऑप्शनल वेबसाइट पे जाने के लिए और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल हमने ओपन कर लिया, टाइप करना है सेवा योजना UP.NIC.IN, ठीक है, उसका सीधा इंटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आना है, जॉब्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेवा योजना विभाग उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले जो नए बच्चे हैं, भाई बहन है जिन्होंने अभी तक कुछ भी इस पे नहीं करवाया है, वो सबसे पहले पंजीकरण कराएंगे। पंजीकरण करवाएंगे, लॉगिन करना। हम पंजीकरण नहीं करेंगे क्योंकि हम कई बार पंजीकरण कर चुके हैं, तो अब दोबारा हमारा पंजीकरण नहीं होगा। हम सीधा लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पंजीकरण आपको कैसे करना है चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सीधा नीचे की तरफ आएंगे। जब आप जो है पंजीकरण करेंगे तो वहाँ आपको यूजर आईडी मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, जो यहाँ पर फिल करना रहेगा। चलिए हम फटाफट यूजर आईडी पासवर्ड फिल कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है यूज़र आईडी पासवर्ड फिल कर दिया। यूज़र आईडी को हमने दोस्तों सिक्योरिटी रीजन की वजह से हाइड कर दिया है। कैप्चा हमने फिल कर दिया। अभी सीधा क्या करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से हम जो है लॉगिन हो जाएंगे डैशबोर्ड पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसका सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे नौकरी के लिए आवेदन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा और हम जो है दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं शैक्षिक योग्यता, तो इस शैक्षिक योग्यता वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो है हम योग्यता लेंगे वो हाई स्कूल ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे तो जो सेवा योजना पोर्टल विभाग पे इस समय भर्तियाँ चल रही हैं वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा दोस्तों हम वेट करते हैं, अभी तुरंत आपके सामने जो है यहाँ पे सारी भर्तियाँ दिखाई देंगी। मैं आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा। तो दोस्तों जिस जिस भर्ती के लिए हम बताते जा रहे हैं, सैलरी जिसमें अच्छी होगी हम उन भर्तियों के बारे में बताते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए और दोस्तों जो बेरोजगार भाई बहन परेशान हैं उनको रोज़गार मिल पाए। तो आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। मैं तो आपको जो है सुविधा दे ही रहा हूँ, जो जानकारी दे ही रहा हूँ, आप लोग भी सहयोग बस इतना करिए कि वीडियो को लाइक करके चैनल को कमेंट जरूर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए देखिए इस तरह से दोस्तों आपकी जो भर्ती है वो ओपन हो गई। जिस भर्ती के बारे में हम बात करने वाले, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्राम विकास विभाग औरैया। तो दोस्तों औरैया की तरफ से दोस्तों आपका भर्ती जो है टेक्निकल असिस्टेंट ग्राम पंचायत लेवल पे चल रही है। अंतिम तारीख 25 तारीख है, आप 25 तारीख तक फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अभी तक 875 फॉर्म यहाँ पे दोस्तों भरे जा चुके हैं। अब देखिए इस पे योग्यता वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों योग्यता वगैरह के बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो हम यहाँ पे रिक्त विवरण वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेक्निकल असिस्टेंट ग्राम पंचायत लेवल ग्राम विकास, ठीक है। 25/7/2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 7 पोस्ट है, ठीक है। नीचे की तरफ आप योग्यता वगैरह यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये चाहिए। अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आएंगे आप तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए दोस्तों आपका पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर योग्यता मैंने आपको बता दी है दोस्तों, ठीक है।
नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिला औरैया, ठीक है, 18 से 40 साल के बीच में एज होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से ये फॉर्म दोस्तों आपका निकाला गया है। तो देखिए इसमें आपका हाई स्कूल के साथ, ठीक है, हाई स्कूल आपका कंप्लीट है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस पर आपका शिक्षक का स्तर कुछ इस तरह से डिप्लोमा आपका आपके लिए कैसे अप्लाई करना है तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आवेदन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी जो आपकी वाइट वाली लाइन आपकी नज़र आ रही है ये वाली, जैसे सीधा आएगी हमारा फॉर्म फाइनली जो है कम्प्लीट हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा सा दोस्तों इसका सर्वर ना उचलता है तो कोशिश करें कि आप मॉर्निंग में ही ये फॉर्म भर लें, ठीक है, मॉर्निंग मतलब सुबह में, तो सुबह में भरेंगे तो देखिए फॉर्म आराम से भर जाएगा। हम सुबह ही आपको भर के दिखा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से दोस्तों फॉर्म हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए फॉर्म हमारा भरा गया कि नहीं भरा गया देखना है, तो दोबारा से नौकरी के लिए आवेदन करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर से बैक आएंगे, यहाँ पर शैक्षिक योग्यता हम हाई स्कूल ले लेंगे, ठीक है, चलिए हाई स्कूल वाले पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे दोस्तों खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे दोबारा से हमारे सामने भर्ती शो होगी और हम देख पाएंगे कि हमारा फॉर्म जो है कंप्लीट हुआ है या देख पा रहे हैं 20/7/2023 यहाँ पे डेट पड़ चुकी है, यानी कि फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे 877 हो गई फॉर्म की संख्या बढ़ के, ठीक है। तो इस तरह से ये दोस्तों आपकी भर्ती है। यहाँ पे देख रहे टेक्निकल असिस्टेंट ग्राम पंचायत सपोर्ट एट ग्राम पंचायत लेवल अंडर स्कीम ऑफ मनरेगा, तो ये मनरेगा से रिलेटेड आपकी दोस्तों भर्ती है। सैलरी यहाँ पे मैंने आपको बता दी है 16,243 रुपये आपको दोस्तों मिलने वाली है। तो इस तरह से ये रही दोस्तों आपकी भर्ती। चलिए अब वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर ले ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको भर्ती से रिलेटेड स्वतः मिलते रहें, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद।